आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो अपने अंदर कई कला को समेटे लोगों में देशभक्ति की अलख जगा रहे हैं। इनके व्यक्तित्व में सागर सी गहराई और पर्वतों सी ऊंचाई है। ये कवि हैं, चित्रकार भी हैं और एक सच्चे देशभक्त थे। अपनी कला के दम पर ये शख्स पूरे विश्व में लोगों के अंदर देशभक्ति की लौ जगा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य की, जिन्होंने अपने भारत भक्ति संस्थान के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों के दिलों में सच्ची देशभक्ति की भावना जगाई। हरदम जिनके हृदय में माँ भारती के लिए प्रेम उमड़ता है और वीरों के चित्र उकेरते उकेरते उनका चरित्र देश के लोगों में पैदा हो, उस संकल्प के लिए जो प्रतिपल जीते, उसी मातृभूमि के फर्ज को अपने शब्द देने के लिए हमारे प्रिय बाबा यहाँ पर आए, इनका एक बार पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान इनको और खूब शक्ति दे, और भक्ति दे, और ऊर्जा दे, और साहस। वंदे मातरम ज्वाल तेरी गति में भूजा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, धरती के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, धरती के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भकुटी में तांडव का ताल है, तेरी भकुटी में तांडव का ताल है। अपने आप को जान लो, इस कार्यक्रम से जब लौट कर घर जाए तो ये मत मानना मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये मत मानना मैं नादान हूँ, दोनों हाथ ऊंचे करके कहिए मैं महान हूँ, दोनों हाथ बोलो मैं महान हूँ। नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नैनों से ज्वाल तेरी गति। यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने, वो सचमुच अभिनंदनीय है, अत्यंत सराहनीय है। प्राचीन ऋषि की आत्मा अवश्य उनके अंतःकरण में एक साधना का परिणाम है। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की भूमिका को पहली बार मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं सचमुच उनकी इस अद्भुत साधना को नमन करता हूं। और मैं तो सचमुच कह सकता हूं कि ये बाबा मनीषी हैं। सत्यनारायण मौर्य बाबा उपस्थित हैं,
मैं उनको बहुत वर्षों से जानता हूं। ऐसी प्रतिभा इस भारत में भगवान ने हमको दी है, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसमें भगवान ने ये तीनों गुण एक साथ डाल दिए हों। ये है हमारे बाबा सत्यनारायण।